जनपद उत्तरकाशी में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने और आमजन को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए जनपद में मुहिम उद्यन चलाई जा रही है, जिसके तहत पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन प्रशांत कुमार के मार्गदर्शन में मोरी क्षेत्र में पुलिस ने अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने त्यूनी मोताड़ को जाने वाले मार्ग से अंतर्राज्यीय गैंग के 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि उन्होंने अल्टो कार में 6 किलो 180 ग्राम अवैध चरस का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने बताया कि दीपावली त्यौहार की आड़ में हरियाणा में अच्छे मुनाफे के लिए वो बेचने जा रहे थे। वहीं आरोपियों के खिलाफ में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तरकाशी से विनीत कंसबाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी का जो एक ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 है, उत्तरकाशी पुलिस की उदयन मुहिम के तहत जो हमारी नशे के सौदागरों के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल मोरी पुलिस ने रात्रि में गश्ती करते हुए एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है, जो कि बहुत टाइम से ये अवैध नशे के कारोबार में लिप्त था। और इसमें हमने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनका नाम देवेंद्र सिंह है और ईश्वर सिंह है। ये जो देवेंद्र सिंह है ये रोहतक हरियाणा का रहने वाले हैं और ईश्वर सिंह जो है ये जुब्बल शिमला का रहने वाला है। तो ये इस तरह का ये अंतर्राज्यीय गैंग हमने पर्दाफाश किया है और इनके कब्जे से 6 किलो 182 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 12 लाख रुपये है। तो ये अब तक की जो मोरी पुलिस की और उत्तरकाशी पुलिस की ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और इनके आपराधिक इतिहास को जो है हमें खंगाला जा रहा है। और अभी तक जो जानकारी जुटाई गई है उसमें पता लगा है कि ये जो एक ईश्वर सिंह है, इसके खिलाफ पहले भी